नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिव की तंत्र साधना का विकृत रूप है काला जादू। जी हाँ, अनटोल्ड ब्लैक मैजिक स्टोरी। देवों के देव महादेव ने रची थी ये विद्या। एक तरफ पूजा, मंत्र और साधना मन को सुकून देता है, वहीं दूसरी तरफ काले जादू का नाम आते ही मन में भय व्याप्त हो जाता है। जहाँ तक बात सामान्य लोगों की समझ की है तो उनके लिए ये किसी रहस्यमय दुनिया से कम नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि तंत्र साधना की इस विद्या की उत्पत्ति देवों के देव महादेव ने की थी। यही वजह है कि उन्हें पहला तांत्रिक भी कहा जाता है। बता दें कि शिव ने तंत्र साधना की रचना लोगों के कल्याण मात्र के लिए की थी। हालांकि कुछ लोगों ने इसके फायदे के लिए इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उनकी इस मानसिक विकृत ने विद्या का स्वरूप ही विकृत कर दिया है। आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नई जानकारी हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारी मैं अपने चैनल दीवा एक शक्ति पर लाती रहती हूँ। चलिए बात करते हैं, किस लिए हुआ था तंत्र विद्या का निर्माण? भगवान शिव के रचित तंत्र शास्त्र में 80% हिस्सा शुभ कर्मों के लिए है, यही 20% में काली शक्तियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इसी हिस्से का प्रयोग किया और धीरे धीरे इसका स्वरूप और रूप दोनों बदल दिया। ये भयभीत करने वाला काला जादू हो गया। हालांकि बुरी शक्तियां जितनी तीव्र से असर करती हैं, उतनी ही गति से उनका नाश भी होता है। इसलिए इस विद्या के गलत उपयोग की सख्त मनाही भी है। यह फर्क होता है कि मंत्र और तंत्र में क्या फर्क होता है। हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल उठे कि सनातन धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधक मौजूद हैं जिसके मनोवांक्षित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसे में तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहा तो ये भी जाता है कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, लेकिन तंत्र साधना इस तरह से की जाती है कि ईश्वर भी मजबूर होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। यही बात तंत्र साधना को लेकर विरोधाभास भी पैदा करती है। इस उपासकों पर नहीं चलता इनका जोर। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर किसी का काला जादू कर दिया जाए या किसी पर काला जादू कर दिया जाए तो यह विफल नहीं होता है। यानी कि जिस भी उद्देश्य से, जी हाँ, कोई भी कारण हो, इसे किया जाता है, परिणाम वही मिलता है। लेकिन भोलेनाथ, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर इसे भूले से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा और मामूली हानि होती है, लेकिन काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसे जाने आप भी हो सकते हैं शिकार या आप हो गए हैं शिकार। मैं बताती हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, जी हाँ, उन्होंने बताया है कि यदि किसी पर तंत्र विद्या या फिर काले जादू का प्रयोग हुआ हो तो वह बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। वह बताते हैं कि इसके लिए रात को सोते समय बेड यानी कि पलंग के नीचे एक गिलास में पानी भर कर रख दें। साथ ही मन में यह संकल्प लें कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया है तो यह सारी ऊर्जा उसी पानी में समाहित हो जाए। इतने दिन करना होगा आपको ये काम। क्या काम है, चलिए जानते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे उठने से, जी हाँ, अगर आप सुबह सवेरे उठें, सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ध्यान रखें, यह प्रक्रिया 8 दिनों तक लगातार करनी होगी। प्रमोद पांडे जो हैं बताते हैं कि यदि व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग हुआ हो तो वह पौधा कुमला जाएगा यानी कि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर व्यक्ति पर काले जादू का गहरा प्रभाव होता है तो वो पौधा 2 से 3 दिन में सूख जाता है। यह भी अजमाया जा सकता है। तांत्रिक प्रयोग को जानने के लिए नींबू का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए सोने से पहले तकिए के नीचे नींबू रख लें। मन ही मन ये विचार करें कि आप अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा इसमें जा रही है। यदि वाकई में व्यक्ति पर तंत्र मंत्र या काला जादू प्रयोग हुआ है तो वह अगली सुबह नींबू का रंग बदल जाएगा।
दोस्तों, अगर आप भी ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू पर विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि आज 21वीं सदी में ये जादू होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दोस्तों, शिव की तंत्र साधना का विकृत रूप अगर काला जादू है, तो उनकी साधना, उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति में अपना ध्यान लगाइए। मुझे विश्वास है कि शिव जी आप पर कृपा बरसाएंगे, आपके परिवार को महफूज रखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल दिव्य शक्ति को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं जल्दी ही मिलती हूँ अपने इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।